राधे राधे, हरे हरे कृष्ण, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है वक्री ग्रह रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, और इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं ऑरोस्कोप में, लोग उसको प्रॉपर तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, या फिर एक प्रॉपर सोल्यूशन पर नहीं आ पाते, एक प्रॉपर क्रक्स पर नहीं आ पाते, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे लोग कहते हैं कि अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर एग्जॉल्ट हो जाए तो फिर वो सिर्फ 70% रिजल्ट देता है। कुछ लोग कहते हैं कि डेबिलिटेड प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो वो रिजल्ट देना बंद कर देता है, या फिर ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, और किस तरीके से आप प्रॉपरली रेट्रोग्रेड प्लैनेट को समझ सकते हो और प्रेडिक्ट कर सकते हो, उस बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आई हैव टू से समथिंग रिगार्डिंग द कंसल्टेशंस। अगर आपने कंसल्टेशन के लिए ईमेल किया है तो प्लीज़ मुझे 2 से 3 दिन का समय दीजिए, बिकॉज बहुत सारी ईमेल्स आई है, आई हैव टू रिवर्ट बैक टू ईच वन। सेकेंडली, यहाँ पर मैं दिन की सिर्फ 2 ही कंसल्टेशन करता हूँ, आई डोंट डू मोर देन 2 कंसल्टेशंस, बिकॉज इसके पीछे रीजन ये है कि ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेरे प्रेडिक्शंस में और स्किल सेट में भी। देखिए, एस्ट्रोलॉजर कितना भी टैलेंटेड हो या कोई भी टाइप का एस्ट्रोलॉजर हो, यहाँ पर 2 चीज़ें होती है। एक एस्ट्रोलॉजर का स्किल सेट होता है, क्या नॉलेज है उसको, और एक होता है इंट्यूशन। अगर दिन की 5 या 6 कंसल्टेशन या 10 कंसल्टेशन इंसान करने लग जाए तो वो ऑथेंटिसिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, और वो इंट्यूशन का जो पावर है वो यहां पर आपको कंसल्टेशन में या वो मैजिक नहीं दिख पाएगा। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं कि मैं दिन की 2 ही कंसल्टेशन लूं। तो अगर आपको डेट बाद में की मिले या फिर आपको टाइम बाद में का मिले तो प्लीज़ उससे नाराज मत होइएगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े ईमेल आते हैं कि आपको ये डेट पे करना चाहिए, वो डेट पे करना चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज मैं इस रूल से नहीं हटना चाहता, और अगर ईमेल आई भी तो मैं इस रूल से नहीं हटूंगा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई ऑथेंटिसिटी। जिस तरीके से मैं काम करता हूँ वो एक बैलेंस्ड वे में चलना चाहिए, बिकॉज 2 कंसल्टेशन करने के बाद आई डू माई मंत्रास, आई डू माई मेडिटेशन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट कंसल्टेशन। बिकॉज यहाँ पर अगर मैं इंट्यूशन को बैलेंस नहीं करूंगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस नहीं करूंगा, तो वो ऑथेंटिसिटी आपको नहीं मिल पाएगी, चाहे वो वीडियोज में मिल रही है या फिर चाहे वो कंसल्टेशन में मिल रही है। सेकेंडली, प्लीज डोंट ट्राई टू चेंज द टाइम ऑफ द कंसल्टेशन। देखिए, आई नो आपके ऑफिस आवर्स होते हैं, आपके काफी सारे काम हो सकते हैं, बट ये जो एक 30 से 40 मिनट का एक सेशन होता है, बहुत इंटेंसिव सेशन होता है, और उसके लिए आई रियली प्रिपेयर माई सेल्फ अ लॉट। चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो मंत्रा चांटिंग हो, रेगुलर बेसिस पे मैं कुछ ऐसे काम करता हूँ जहां पर इंट्यूशन का जो पॉइंट है वो एक एक्टिव रहे मेरा। अदर देन दिस, आई ऑलवेज प्रे बिफोर डूइंग माई कंसल्टेशन कि अगर इस बंदे या इस बंदी को मेरे कंसल्टेशन के थ्रू अगर सोल्यूशन मिल रहा है तो ये मेरे पास है, नहीं तो ये मेरे पास नहीं आना चाहिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं तो प्लीज जस्ट राइट कंसल्टेशन एंड आई जस्ट फॉरवर्ड यू ऑल द डिटेल्स आई हैव रिगार्डिंग द कंसल्टेशन एंड हाउ कैन यू बुक द कंसल्टेशन। सी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी पर्सन्स डाउट ऑन इंस्टाग्राम। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि 3 दिन 4 दिन या 5 दिन तक मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, बिकॉज इतना टाइम नहीं है, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम है। तो उस चक्कर में यू नो पीपल फील बैड एंड फिर दे राइट दैट वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो अगर आप सिर्फ कंसल्टेशन के लिए, यू कैन जस्ट राइट ऑन इंस्टाग्राम कंसल्टेशन एंड आई जस्ट गिव ऑल द डिटेल्स विच आई हैव टू यू। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, वक्री ग्रह। अब मैं आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को कहीं ना कहीं नोटबुक में या डायरी में नोट कर लीजिए, बिकॉज दिस इज द प्रीमियम कॉन्टेंट। और अगर आप इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ गए तो आपके कुंडली में आपका वक्री ग्रह आपसे क्या कहना चाहता है, क्या कर्म करवाना चाहता है और क्या पेंडिंग कर्म है, वो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे उन चीज़ों को, और उसको बैलेंस कैसे करना है स्पेशली वो समझ पाएंगे। देखिए, देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से चीजें लाइफ में बदलते जाती है। एज एंड व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू द मॉडर्न टाइम्स, आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सच भी है, कि डेबिलिटेड प्लैनेट्स भी अच्छा काम करते हैं ऑरोस्कोप में। और आज से 20-30 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोलॉजर्स कहते थे कि डेबिलिटेड प्लैनेट अगर कुंडली में है तो वो नाश करेगा कुंडली का। देखिए, डेबिलिटेड प्लैनेट होता क्या है और देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से वो कैसे चेंज हुआ, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। जो भी डेबिलिटेड प्लैनेट होता है कुंडली में, वो अपनी मॉरल वैल्यूज भूल जाता है। ऐसा नहीं कि वो कर्म करने में वीक हो जाता है, वो अपने मॉरल वैल्यूज भूल जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी की कुंडली में जुपिटर अगर डेबिलिटेड है, और यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऊपर अगर और बहुत सारे खराब एस्पेक्ट्स भी है, तो ऐसा इंसान होगा वो धर्म के नाम पर लोगों को ठग सकता है, धर्म के नाम पर ऐसी कोई चीज़ें बेच सकता है, उससे फायदा उठा सकता है बेसिकली। तो जुपिटर डेबिलिटेड होने की वजह से वो जुपिटर के जो सिग्निफिकेशन है उसको समझ ही नहीं पाया, उसके वजह से उसने गलत कर्म किए और गलत कर्म की वजह से अगला जन्म गलत मिला। ये 20-30 साल पहले की थ्योरी। और आज की थ्योरी क्या कहती है, कलयुग की थ्योरी, कि अगर आपने कोई चीज़ बेच दी, आज आपके पास पैसा आ गया, आप सुखी हो गए। तो अगर पैसा कमाना है तो डेबिलिटेड प्लैनेट अच्छा काम करता है। उसी तरीके से रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का भी कोई कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे सेम सिचुएशन, कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने कहा है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स अगर कुंडली में हो तो बहुत ज्यादा हैवॉक मचाते हैं या फिर अच्छे तरीके से काम नहीं करते हॉरोस्कोप में। ऐसा क्यों कहा गया है? हमारे सारे वेद, पुराण, शास्त्र, यहां तक कि गीता भी सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करती है, लिबरेशन के बारे में। लिबरेशन का मतलब क्या है, कि हम इस जन्म और मरण के जो सर्कल है इससे मुक्त हो और हम मोक्ष की प्राप्ति करें।
अब जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है आपके हॉरोस्कोप में, उसका चेष्टा बल बहुत ज्यादा होता है। चेष्टा बल का मतलब यह है डिजायर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, चेष्टा का मतलब ही डिजायर है। तो जब प्लैनेट का डिजायर बहुत ज्यादा होगा तब वो कर्म करेगा, और कर्म करने के बीच में अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ गलत भी करेंगे, और फिर वो गलत कर्म करने की वजह से उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि उसको वो भोगना भी पड़ेगा। उसके वजह से वो लिबरेशन के प्रोसेस के अंदर नहीं आ पाएगा। इसीलिए आज से 20 से 30 साल पहले एस्ट्रोलॉजर्स जो थे उस चीज को बहुत ज्यादा नेगेटिव मानते थे, बट अगर हम आज के काल की बात करें या फिर अगर हम आज के युग की बात करें तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिवनेस देते हैं और आपको फोकस करने की एक क्षमता देते हैं, बिकॉज अब आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए, अब आपकी इच्छा भी बहुत ज्यादा है और आपको उस पर्टिकुलर चीज के पाने के पीछे आपकी जो ताकत है वो भी बहुत ज्यादा है। अब आप देखेंगे जो नॉर्मल प्लैनेट होता है उससे कहीं ना कहीं 3 to 5 times पावरफुल होता है आपका रेट्रोग्रेड प्लैनेट। कुछ लोगों की थ्योरी कहती है कि 3 times पावरफुल होता है, कुछ लोगों की थ्योरी कहती है कि 5 times पावरफुल होता है। जितना मैंने टेस्ट किया है 3 times पावरफुल परफेक्टली बैठता है इस पूरे के पूरे सिनेरियो में। प्लैनेट होता है उसकी पास्ट लाइफ डिजायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अदर देन दिस ये प्लैनेट जो होता है वो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक होता है। और सब जगह मैं ओवरवर्ड इसीलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर इस ओवर के चक्कर में ये लोग परफेक्शन के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं और परफेक्शन के पीछे बहुत ज्यादा स्पीड से भागना चाहते हैं। यहाँ पर मार्स की क्वालिटी आपको देखने मिलेगी। इसीलिए कुंडली में कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाए वो ठीक है एक बार, बट अगर मंगल रेट्रोग्रेड हो गया तो यहाँ पर ज्यादा दिक्कत देता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट कोई भी प्लैनेट जो रेट्रोग्रेड हो गया है वो चीजों के पीछे भाग रहा है क्योंकि वो प्लैनेट अब थक चुका है। देखिए एक प्लैनेट की डिजायर है जो पिछले जन्मों से चली हुई आ रही है और ये जन्म तक वो डिजायर अब तक कंप्लीट नहीं हुई, पर नॉलेज सब कुछ है, बट आपकी जो ये ह्यूमन बॉडी है वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही बिकॉज आपको तो फिर से शुरू करनी है। आत्मा तो पुरानी है बट शरीर तो नया है, और उस नए शरीर के अंदर उस रेट्रोग्रेड प्लैनेट को एक एडजस्टमेंट देना, तो इंसान बहुत ज्यादा घाई गड़बड़ी में होता है, परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करता है, और उस परफेक्शन को घाई में अचीव करने के चक्कर में होता यूं है कि वो एक ही काम उसको मल्टीपल बार करना पड़ जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिनका लग्नेश रेट्रोग्रेड होता है वो बहुत ज्यादा घाई गड़बड़ी में रहते हैं फुल टाइम। उनको ये भी करना है, उनको वो भी करना है, उनको वो भी करना है, उनको सब कुछ करना है। एक बेसिक पेनड्राइव लगाना होगा सीपीयू के अंदर तो भी वो 4 बार ऐसे ऐसे करके लगाएंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा घाई गड़बड़ में है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट की प्रॉब्लम ये होती है। तो जो भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट होगा कुंडली में वो नॉर्मल प्लैनेट से 3 to 5 times ज्यादा काम करेगा। ये जेमिनी का बहुत अच्छा सूत्र है। अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट खराब स्थिति में बैठा है तो वो आपको 3 times वर्स्ट रिजल्ट देगा, और अगर वो अच्छे कंडीशन में बैठा है तो 3 to 5 times वो आपको बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 11th लॉर्ड अच्छे पोजिशन में रेट्रोग्रेड होकर बैठ जाए सो 3 sources ऑफ इनकम और 3 or more सोर्सेज ऑफ इनकम। सेकंड लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड हो जाए यहाँ पर तो आप देखेंगे ऐसे इंसान के मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं, 3 or more बैंक अकाउंट्स। 10th लॉर्ड अगर यहाँ पर रेट्रोग्रेड हो जाए तो मल्टीपल बिजनेसेस से पैसा आना यहाँ पर। तो उस तरीके से चीजें डिपेंड करती है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट अच्छे तरीके से काम कर रहा है बुरे तरीके से काम कर रहा है, वो राशि पे डिपेंड करता है और वो डिस्पोजिटर पे डिपेंड करता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट कितना काम कर रहा है, क्या वो 20% काम कर रहा है, क्या वो 50% काम कर रहा है, क्या वो 100% काम करता है, उसको किस तरीके से देखेंगे अब हम वो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर पहले आउटर सर्कल को कंसिडर करेंगे। अब आप देखेंगे कि आउटर सर्कल में कौन से प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो अर्थ से आगे हैं जिन्हें हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर कंसिडर करते हैं। वो हो गए मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर। ये कब रेट्रोग्रेड होते हैं? जब ये सूर्य से पंचम स्थिति में जाते हैं। ये सारे बेसिक्स है, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको ये बेसिक्स समझ में आ गए, और ये जेमिनी का बहुत ब्यूटीफुल सूत्र है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको ये बेसिक्स समझ में आ गया तो आपको रेट्रोग्रेड प्लैनेट को जज करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब भी जो प्लैनेट, ये जो 3 planets है, ये सूर्य से पंचम स्थिति में जाते हैं तब ये रेट्रोग्रेड होना शुरू होते हैं, और ये जब तक सूर्य से नवम स्थिति में रहेंगे 9th to the sun तब तक ये रेट्रोग्रेड रहते हैं। तो यहां पर परसेंटेज डिफाइंड है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो आपको बताएंगे कि कब वो कितने परसेंट का रिजल्ट देंगे। तो मार्स, सैटर्न और जुपिटर में से जो भी प्लैनेट सूर्य से फिफ्थ पोजिशन में जाकर रेट्रोग्रेड होगा वो 50-65% रिजल्ट देगा रेट्रोग्रेशन के। जो भी प्लैनेट सूर्य से सप्तम भाव में रेट्रोग्रेड होगा, वो 100% रिजल्ट देगा रेट्रोग्रेशन के। ऐसा प्लैनेट जो होगा वो कंप्लीट इंपैक्ट दिखाएगा कि वो सच में रेट्रोग्रेड है, वो बार बार आपको लाइफ में याद दिलाता रहेगा कि भाई मैं रेट्रोग्रेड हूं, मेरा जो काम है वो इस तरीके से ही होगा। जो भी प्लैनेट सूर्य से 6th या 8th पोजीशन जाकर रेट्रोग्रेड होता है वो आपको देगा रिजल्ट 70-75% के। तो आप ये परसेंटेज का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी प्लैनेट एक पर्टिकुलर पोजीशन में जा रहा है सूर्य से वो उतना परसेंट ही रेट्रोग्रेशन का रिजल्ट देगा। तो यहां पर पराशरी का एक श्लोक है जो कहता है ग्रहत पूर्ण फलम द्वित्यु सायक सप्तम के स्थिता। इसका मतलब ये कि जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होकर सूर्य से सप्तम स्थान पर जाएगा वो अपने 100% रिजल्ट देगा। देखिए ऐसा क्यों है,
जो भी प्लैनेट होता है उससे सप्तम स्थान जो होता है वो उसका शक्ति स्थान होता है, वहां से वो एनर्जी डिराइव करता है। अगर ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट सूर्य से सप्तम जाकर अगर अच्छा भाव बना ले, अच्छा एक स्थिति बना ले अपना, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अंधा पैसा दे सकता है, अंधा मटेरियलिस्टिक चीजें दे सकता है और बहुत मतलब एक्सट्रीम तक जा सकता है। अभी आप देख सकते हैं टेलर स्विफ्ट के चार्ट में सूर्य से सप्तम पर यहाँ पर जुपिटर आया और जुपिटर यहाँ पर रेट्रोग्रेड हो गया, तो आप समझेंगे कि किस लेवल का फेम, किस लेवल का पैसा और किस लेवल का एक दौलत और शोहरत वो इमेजिन करती होगी। This is because of the retrograde Jupiter in Adra Nakshatra in her case, which is opposite to Sun. It is the one of the brilliant position आप देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है इंटरनल प्लैनेट्स को लेकर। आप देखेंगे इंटरनल प्लैनेट्स के अंदर आता है शुक्र एंड बुध। बुध जो है वो सूर्य से एक घर आगे पीछे नहीं जा सकते, तो लगभग सूर्य के साथ होते हैं या फिर आसपास की कंडीशन में होते हैं, तो यहाँ पर कंबस्ट होते हैं मोस्टली कुंडियों में। अगर आप देखेंगे तो बुध कंबस्शन की स्थिति में होते हैं, उसकी स्थिति में अगर वो रेट्रोग्रेड हो जाए तो क्या वो रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, तो इसका आंसर यस है, वो 100% रिजल्ट्स देंगे। सूर्य के आसपास होने की वजह से ऐसा कभी नहीं होगा कि वो रेट्रोग्रेशन का रिजल्ट नहीं देंगे, वो एक ऑल टुगेदर अलग कंसेप्ट है। सेम वे शुक्र के लिए भी, शुक्र दो घर आगे पीछे जा सकते हैं, उससे ज्यादा जा ही नहीं सकते, वो प्लैनेट ही है जो इंटरनल सर्कल में आते हैं सोलर सिस्टम के, तो वो भी अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट्स देखने मिलेंगे रेट्रोग्रेशन के। बस यहाँ पर सिर्फ फर्क इतना सा है कि सूर्य के ताप की वजह से अगर वो कंबस्ट हो जाते हैं तो कंबशन के रिजल्ट अलग होते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंबशन को एक अलग कॉन्सेप्ट लीजिए, रेट्रोग्रेशन को एक अलग कॉन्सेप्ट लीजिए और डेबिलिटेशन को एक और एक्सोल्टेशन को एक अलग कॉन्सेप्ट लीजिए। सब चीज को मिक्स करने की जरूरत नहीं है, अगर सब चीज को मिक्स कर देंगे तो खिचड़ी बन जाएगी और फिर एंड एक पर्टिकुलर प्रेडिक्शन पे आना के लिए पॉसिबल नहीं होगा फिर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, वक्री ग्रह उच्च के या फिर नीच के होकर किस तरीके का रिजल्ट देते हैं। देखिए इस बारे में इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, बट इस कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जनरलाइज रखिए इस कॉन्सेप्ट को, इसको ज्यादा सर पर बिठाने की जरूरत नहीं कि अगर प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो वो इस तरीके का रिजल्ट देगा या फिर ये हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, वो हो जाएगी। ये सब फियर फैलाने के एक तरीके हैं और एस्ट्रोलॉजी को एक फियर का मीडियम नहीं बट एक ज्योतिष का मतलब ही होता है, ज्योतिष, ज्योत मतलब लाइट होती है, इसका काम है लाइट लाना, इसका काम ये नहीं है कि आप किसी को डरा दो रेट्रोग्रेड एग्जॉल्टेड प्लैनेट के नाम पर। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, बेसिक टू लाइनर कॉन्सेप्ट है सिर्फ, जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया वो एग्जॉल्ट हो जाएगा तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। उसकी पावर क्यों बढ़ जाएगी, बिकॉज जब प्लैनेट एग्जॉल्टेड होता है तो वो वैसे ही पावरफुल होता है और रेट्रोग्रेशन उस पावर में ऐड करता है। अब सेम वाइस वर्सा, अगर जो प्लैनेट डेबिलिटेड है, प्लैनेट जब डेबिलिटेड हो जाता है तब वो वीक हो जाता है और जब वो रेट्रोग्रेड हो जाता है तब उसको पावर मिल जाती है, तब वो नॉर्मल प्लैनेट जैसे काम करना शुरू कर देता है। देखिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट पॉजिटिवली काम कर रहा है या फिर नेगेटिवली काम करता है वो कंप्लीटली राशि पर डिपेंड करता है, राशि के लॉर्ड पर डिपेंड करता है और लॉर्ड का उस पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ क्या संबंध बन रहा है उस पर डिपेंड करता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये अलग एस्पेक्ट है, बट एग्जॉल्टेशन और डेबिलिटेशन को अगर आपको समझना है तो वो बेसिक यही कॉन्सेप्ट है। जो भी प्लैनेट एग्जॉल्ट हो जाएगा वो और ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करेगा अगर वो रेट्रोग्रेड हो गया तो, अब वो प्रोमिनेंट रिजल्ट्स देगा अपने। अगेन कमिंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ टेलर स्विफ्ट, सूर्य के प्रॉपर सामने आर्द्रा नक्षत्र में जेमिनाय में यहां पर टेलर स्विफ्ट का जुपिटर बैठा हुआ है जो कि रेट्रोग्रेड है। अब इट इज नियर द एग्जॉल्टेशन पॉइंट, राइट? एक राशि अगर वो आगे चले जाए तो यहां पर वो एग्जॉल्ट हो जाएगा, एग्जॉल्टेशन पॉइंट के बहुत नियर है वो प्लैनेट बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। उसी तरीके से अगर कोई भी प्लैनेट एग्जॉल्ट होकर रेट्रोग्रेड हो जाए तो वो स्टार्टिंग में दिक्कतें देता है बट फिर वो एंड रिजल्ट उसका बहुत ज्यादा पॉर्श होता है क्योंकि अब उसके अंदर वो ताकत है रिजल्ट देने की भी और एट द सेम टाइम पिछले जन्मों की मेमोरीज भी है। उसी तरीके से जो डेबिलिटेड प्लैनेट होता है वो वीक प्लैनेट होता है ऑलरेडी हॉरोस्कोप में, अब राशि वाइज अगर वो सही नहीं बैठा है और अगर हाउस वाइज वो सही बैठा हुआ है और अगर वो रेट्रोग्रेड हो गया तो वो आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स देगा। वो आपको, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि अच्छे रिजल्ट्स देगा, बट आपको वो न्यूट्रल रिजल्ट्स देगा और आपको कभी कभी खराब रिजल्ट्स देगा। तो हाउस पर और राशि पर डिपेंड करता है अच्छा या बुरा रिजल्ट। एग्जॉल्टेशन और डेबिलिटेशन जो है ये ऑल टुगेदर अनदर कॉन्सेप्ट है। तो अब हम बेसिक कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जुपिटर सैटर्न और मार्स पे, कि जब जुपिटर सैटर्न एंड मार्स हॉरोस्कोप में रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तब वो किस तरीके का रिजल्ट देते हैं। हम बेसिक पॉइंट्स या थोड़े पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। अगर आपको इस पे एक नई वीडियो चाहिए जिसके अंदर एक 15-20 मिनट की वीडियो जिसके अंदर मैं और अच्छे तरीके से आपको बता पाऊं कि जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर क्या करता है तो आप कमेंट्स में लिखिए, आई वुड लाइक टू मेक अ सीरीज ऑन दिस वीडियो। अगर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इसमें इंटरेस्टेड हुई इस टॉपिक के अंदर तो आई विल मेक फ्यू वीडियोज ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ रेट्रोग्रेशन एंड प्लैनेट्स बीइंग रेट्रोग्रेड। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जुपिटर किसी घर में रेट्रोग्रेड हो गया, अब घर को देखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। घर के दो सिग्निफिकेशन होते हैं, एक मटेरियलिस्टिक सिग्निफिकेशन होगा और एक लिविंग सिग्निफिकेशन होगा। अब आपको देखना है कि जुपिटर कहाँ पर अफेक्ट कर रहा है। आज हम कलयुग में रहते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट सेक्शन में कहा वीडियो के, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चीजें चेंज होती है, तो हम कलयुग में रहते हैं। यहाँ पर मोस्टली प्लैनेट्स का और इंसान का फोकस यहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीजों में रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जुपिटर सेकंड हाउस में जाकर रेट्रोग्रेड हो गया। अब आप देखेंगे सेकंड हाउस तीन चीजों का कारक है, सेकंड हाउस आपके फैमिली का कारक है, सेकंड हाउस आपके धन कमाने की
कितनी क्षमता है और कितना आप धन सेव कर सकते हो, वो आपका सेकंड हाउस है। देखिए 11th हाउस से आप देखेंगे कि आप धन कितना कमा सकते हैं। 11th हाउस बहुत स्ट्रांग बैठा है, सेकंड हाउस अगर अच्छे तरीके से नहीं बैठा है तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि पैसा आ रहा है तो जा रहा कहां पे। तो सेकंड हाउस का स्ट्रांग होना जरूरी है अगर आपको धन की स्थिति देखनी है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जुपिटर जब सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएगा तब ऐसा इंसान पैसे पे बहुत ज्यादा फोकस करेगा, अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करेगा। वो हमेशा ऐसा बताने की कोशिश करेगा कि यहां पर ये मेरी स्पीकिंग स्किल्स है, मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे वैलिडेशन दो। यहां पर उसका फोकस पैसे में बहुत ज्यादा होगा जिसकी वजह से वो फैमिली को इग्नोर करेगा। दोनों में से एक ही सिग्निफिकेशन पर यहां पर ध्यान दे सकता है। या तो ऐसा बंदा, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि फैमिली के पीछे पागल हो जाए, या फिर फैमिली की हर एक बात माने और फैमिली के हर एक डिसीजन को अगर वो फॉलो करेगा तो पैसा नहीं बना पाएगा, और अगर पैसा बना रहा है तो फैमिली को इग्नोर करेगा। इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ रेट्रोग्रेड जुपिटर वाले को ऐसे रियलाइज होता है कि मुझे मेरे सेकंड हाउस में स्पेशली कि मुझे मेरे फैमिली को थोड़ा टाइम देना चाहिए था और पैसे पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए था। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, जुपिटर कहीं भी हो कुंडली में अगर रेट्रोग्रेड हो तो आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होता है वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक होता है चीज़ों को लेकर, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीपल्स प्लीजर भी बन जाता है और ईगो बहुत ज़्यादा हाई होगा। अब ये दोनों चीज़ साथ में नहीं जाती कि वो पीपल्स प्लीजर बनेगा या फिर वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बनेगा। आप देखेंगे कि यहां पर अगर जुपिटर पर बहुत ज्यादा मेलिफिक एस्पेक्ट्स हुए तो दोनों तरीके से काम करेगा, और अगर बेनिफिक एस्पेक्ट हुए तो वो पीपल्स प्लीजर बन जाएगा। देखिए जुपिटर नेचुरली प्लैनेट बहुत ज्यादा बेनिफिक है, यहां पर किसी को हर्ट करना जुपिटर को पसंद नहीं है, बट यहां पर जुपिटर दिखाना चाहता है कि मैं यहां पर हूं, और बार बार दिखाने के चक्कर में यहां पर सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर यहां पर पंचम भाव में है और रेट्रोग्रेड है। अब ऐसा जो इंसान हो वो लोगों को बताने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा कि मेरा रिलेशनशिप जो है मेरे पार्टनर के साथ वो बहुत ज्यादा अच्छा है, वो बहुत ज्यादा गिफ्ट्स लेकर आएगा, अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा गिफ्ट्स देगा और वो गिफ्ट्स की स्टोरीज वो इंस्टाग्राम पे अपलोड करेगा बार बार। ये वो क्यों करेगा? क्योंकि उसको जुपिटर को फिफ्थ हाउस में बताना है यहां पर कि यू नो कि मैं रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कर रहा हूं, देखो मैं कितना अच्छा हूं। जुपिटर रेट्रोग्रेड वाले के पास ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, और ज्ञान बहुत ज्यादा होने की वजह से उसको ऐसा लगता है कि उसको सब कुछ पता है। अब आप देखेंगे ये जो कॉन्सेप्ट है इसके वजह से गुरु बहुत ज्यादा चेंज करते हैं। अब गुरु चेंज करने का मतलब यहां पर क्या होता है कि जैसे ही ये किसी गुरु के पास जाते हैं इनको ऐसे रियलाइज होने लग जाता है कि ये तो मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि उनके पास्ट लाइफ का जो एक कीड़ा है दिमाग में वो बार 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 ऊपर आने की कोशिश करता है। तो गुरु बहुत ज्यादा बदलते हैं, बुक्स बहुत ज्यादा बदलते हैं, लेक्चर कंप्लीटली नहीं देख पाते। एक लेक्चर अगर एक टाइम पे देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा घाई होगी, उनको लगेगा कि मैं फास्ट फॉरवर्ड करके देखूं। आप देखेंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स वाले की बहुत बुरी आदत होती है, कुंडली में अगर लग्नेश रेट्रोग्रेड हो जाए, शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाए, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाए अगर कुंडली में, ऐसे जो लोग होते हैं मूवी भी फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, 1.75 की स्पीड पे देखेंगे, क्योंकि पेशेंस नहीं है यहां पर। उनको मूवी भी क्लाइमैक्स पहले देख लेंगे और फिर बाद में। ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पर पेशेंस बहुत ज्यादा कम हो जाता है, दिस इज जुपिटर रेट्रोग्रेड। क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं धैर्य का भी कारक है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, आपको परमानेंट चीज देता है बट स्लो चीजें देता है यहां पर। तो आप देखेंगे जुपिटर जब रेट्रोग्रेड हो जाता है तब वो डाइजेशन में प्रॉब्लम दे सकता है अगर वहाँ पर मेलिफिक एस्पेक्ट्स है तो। इसके अलावा जुपिटर अगर सैटर्न के साथ बैठकर रेट्रोग्रेड हो जाए तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का ब्रीदिंग पैटर्न सही नहीं होता, ब्रीदिंग में आपको ऊपर नीचे देखने मिलेगा। आप देखेंगे जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड है और चंद्रमा अगर एक घर पीछे है वहाँ पर, तो ऐसे लोगों को कफ का इश्यूज देखने मिलेगा। अदर देन दिस, जुपिटर एक रिसर्च माइंडेड प्लैनेट है और जब रेट्रोग्रेड हो जाता है तो ऐसे लोग रिसर्च में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाते हैं। इनिशियल स्टेजेस पे डिफिकल्टी देता है बिकॉज ये एक चीज पर टिक नहीं पाते। अगर ये एक चीज पर टिक गए तो इन जैसा रिसर्च कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड जब हो जाता है तब ऐसा इंसान खुद के अंदर झांकने लगता है और वो अपने अंदर के मन की चीजों से अब सब चीजों को देखने की कोशिश करेगा। अब वो सिर्फ सुपरफिशियल पर्सपेक्टिव से काम नहीं करेगा, वो इंटरनल पर्सपेक्टिव से यहां पर काम करेगा। ऐसे लोगों में ईगो बहुत ज्यादा होता है, ये प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको लगता है कि सारा ज्ञान उन्हीं के पास है, तो ईगो कंट्रोल करने की जरूरत है। पीपल्स प्लीजर यहां पर नहीं बनना है आपको अगर आपको आपका पॉइंट प्रूव करना है तो भी, इसलिए मेलिफिक एस्पेक्ट्स जरूरी है जुपिटर पे। अदर देन दिस, आप देखेंगे कि एक बड़ी प्रॉब्लम है जुपिटर के साथ कि जहां पर ज्यादा स्ट्रगल करना, जैसे जुपिटर रेट्रोग्रेड तो अब जुपिटर के सिग्निफिकेशन और बढ़ गए, जहां पर स्ट्रगल करना पड़ता है इसीलिए जुपिटर 10th हाउस में डेबिलिटेड होते हैं वो, क्योंकि वो कर्म स्थान है, जहां पर स्ट्रगल करना पड़ता है वहां पर ये लोग एक स्टेप बैक ले लेते हैं। और ऐसे लोग जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाए तब ये हर चीज में स्टेप बैक ले लेते हैं, हर चीज में ब्रेक अपने आप यहां पर लाते हैं। इनको सिर्फ इतना सा डिसाइड करना होता है, जुपिटर रेट्रोग्रेड इज अ ब्रिलियंट पोजिशन, बट सिर्फ इतना सा डिसाइड करना है आपको कि अगर आपने आज एक काम डिसाइड किया कि मुझे आज ये काम करना है, भले ही फिर वो छोटा सा काम हो, आपको वो काम रेगुलरिटी में करना है। वहां पर आपको सैटर्न की जरूरत होती है, रेगुलरली उन चीजों का काम करें तो आप देखेंगे आपका जुपिटर भी धीरे धीरे करके आपको बेनिफिक रिजल्ट्स देने लग जाएगा। और टाइम सिर्फ इसीलिए लगता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को सक्सीड होने के लिए बिकॉज ऐसा इंसान एक चीज पर टिक नहीं सकता, उसको सब कुछ चाहिए होता है। सो द एंड पॉइंट हियर ऑफ जुपिटर रेट्रोग्रेशन इज यू कैन हैव इट ऑल बट नॉट ऑल एट वंस, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप एक चीज के पीछे बढ़े, अब बहुत जल्दी सक्सेस ले सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पे आप सक्सेस ले सकते हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड,
अब आप देखेंगे सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो कर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब जब ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाएगा तब इंसान को अपने कर्म के द्वारा लोगों को बताना है कि देखो मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, अपने कर्म के द्वारा ईगो को बताना है कि सी आई एम हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्योंकि मैं सैटर्न की वजह से यहाँ पर, सैटर्न हार्डवर्क का कारक है। तो हार्ड द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द रूम सैटर्न रेट्रोग्रेड। ऐसे जो लोग होते हैं जो आप देखते हैं जो 15-15 घंटे काम कर सकते हैं, आई थिंक 17-17 घंटे भी कुछ लोग होते हैं जो काम कर सकते हैं इतना फोकस के साथ, दैट इज सैटर्न रेट्रोग्रेड। अब होता यूं है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि पिछले जन्मों में यहाँ पर डिजायर बहुत ज्यादा हाई थी बट डिजायर फुलफिल नहीं हो पाए, तो यहाँ पर बॉडी चेंज हुई बट सोल और कार्मिक कनेक्शन और प्लैनेट्स तो सेम ही है, तो मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। सैटर्न के पास इतनी मेमोरी है कि वो रेट्रोग्रेड है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ही वॉन्ट्स टू फुलफिल ऑल दोज डिजायर फ्रॉम द पास्ट लाइफ बट बॉडी इज न्यू है, तो बॉडी को तो अडेप्ट होने टाइम लगेगा, तो वो ऐसी बॉडी को फोर्स करते हैं यहाँ पर काम करने के लिए 14-14, 15-15 घंटे, जिसके वजह से हेल्थ भी यहाँ पर खराब हो सकती है। सैटर्न आपको कुंडली में रेट्रोग्रेड मिलेगा तो आप बुढ़ापे में ऐसे लोगों को जरूर बोलते हुए सुनोगे कि मैंने बहुत काम किया अपनी अपने यंग स्टेज में, इसीलिए प्रॉब्लम ये हुई कि अब मेरे पास यू नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं थोड़ा सा नम महसूस करता हूँ। बट ये वही लोग हैं जो अपने डेथ के 3-4 हफ्ते पहले तक या 1 महीने पहले तक काम करते हैं, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, काम करने, काम के थ्रू खुद को प्रूव करना है। सो दिस इज अ वेरी गुड पोजीशन इफ यू आर हार्ड वर्किंग और आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। सैटर्न रेट्रोग्रेड वाला सरफिरा होता है वो कितना भी काम कर सकता है। आप देखेंगे वर्कहोलिक होगा, ग्रेटनेस अचीव करने के लिए 24/7 काम करेगा, बट यहां पर सैटर्न से रिलेटेड जो भी चीजें उसमें आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। प्रोफेशन यहां पर स्टेबल नहीं रहता है, इंसान को मल्टीपल प्रोफेशन करने पड़ते हैं, मल्टीपल चीजें करनी पड़ती है, तब वो जाकर लाइफ में सेटल हो पाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, एक मेरे क्लाइंट का एग्जाम्पल है। तो अब हम कंपनी कंसल्टेशंस भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा मोटा स्टार्टअप है जिसका बजट कम है, वो स्टार्टअप हमारे पास आता है उस और जिसको हायर करना है हायर कर ले उसको और फिर वो हॉरोस्कोप हमारे पास भेजता है। वो बताने की कोशिश करते हैं हम उसको कि कंपनी का जो लक है वो इस इंसान के लक के साथ मैच होता है या नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है और कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और कंपनी और मालिक के कुंडली के साथ भी मैच नहीं हो रही, तो पता चल जाता है कि ये जो बंदा है वो कंपनी में कहीं ना कहीं जाकर धोखा देगा या फिर इसको हायर करना सही नहीं होगा। तो जब आपकी कंपनी स्टार्टअप में होती है तब एचआर भी आप होते हैं, तब मैनेजर भी आप होते हैं और सब कुछ आप होते हैं। तो यहां पर ये कंपनी का जो ओनर था वही लोगों को हायर करता था। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो कंपनी का ओनर था एरीज लग्न की कुंडली थी, आई स्टिल रिमेंबर, यहां पर 10वें भाव में चंद्रमा और शनि साथ में और सैटर्न इज रेट्रोग्रेड ईयर। अब प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि जब भी ये इंटरव्यू लेता था लोगों के तब ये इमोशनल हो जाता था और इमोशनल होने के चक्कर में गलत लोगों को हायर कर लेता था, और गलत लोगों को हायर करने के चक्कर में अगर ओवर क्वालिफाइड है तो वो ज्यादा काम करेगा नहीं, अंडर क्वालिफाइड है तो काम आता नहीं है। तो यहां पर सिर्फ एक ओवर ऑप्टिमिज्म के चक्कर में के और चंद्रमा के इन्फ्लुएंस में आके सैटर्न यहाँ पर गलत, तो गलत एम्प्लॉयज को हायर करना, सैटर्न रेट्रोग्रेड सैटर्न एम्प्लॉयज का भी कारक होता है जो आपके नीचे काम करते हैं। तो आप देखेंगे सैटर्न से रिलेटेड सिग्निफिकेशन जो होंगे उसमें आपको स्टार्टिंग के लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगी आप देखेंगे यहाँ पर स्टेबिलिटी आते जा रही है प्रोफेशन में भी और पैसा भी यहाँ पर बढ़ते जाता है। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड वाला जो बंदा होता है ये आइडल नहीं बैठ सकता, इसको अगर आप 3-4 दिन की छुट्टी पे भेज दो तो इसके लिए सबसे खराब समय वो होगा, क्योंकि अब प्लैनेट को ऐसे लगता है कि समय जा रहा है, काल बीतते जा रहा है और मेरा जो पिछले जन्म में जो रह गया है जो काम करना वो मैं इस जन्म में भी नहीं कर पाया। तो ऑप्टिमिज्म काम को लेकर बहुत ज्यादा होता है, ईगो काम को लेकर बहुत ज्यादा होता है, बार बार ये खुद भी काम करते हैं और दूसरों को भी शांति से बैठने नहीं देते, दूसरों को भी बोलेंगे काम कर, विच आई थिंक इज अ गुड क्वालिटी, काम करना चाहिए। और सैटर्न रेट्रोग्रेड वाला बहुत काम करता है, अगर ये सैटर्न रेट्रोग्रेड अच्छे योग में है, सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर जुपिटर के साथ बैठ गया, इसका मतलब ये है कि ये दुनिया के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं, ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं, ये समाज के लिए काम करते हैं, सो दिस इज अ गुड थिंग। बट अदर देन दिस, जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाता है तब कोई भी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड हो जाता है आप देखेंगे इसको एक ट्रिगर पॉइंट लगता है, हर एक प्लैनेट को रेट्रोग्रेड होने के बाद एक ट्रिगर पॉइंट होता है और वो ट्रिगर पॉइंट जैसे हिट होता है वो प्लैनेट रेट्रोग्रेशन का इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। सैटर्न रेट्रोग्रेड जिनके भी हॉरोस्कोप में होता है मैं उनसे हमेशा ये बात पूछता हूं, अगर वो सूर्य से सप्तम में रेट्रोग्रेड हो गया तो मैं जरूर ये बात पूछता हूं कि लाइफ में ऐसा क्या पॉइंट था जब ऐसा कुछ ट्रिगर हुआ कि आपको लगा कि अब मुझे सब कुछ करना है, मुझे इतना काम करना है। आप देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल सैटर्न रेट्रोग्रेड है सेकंड हाउस में, अब ऐसा इंसान जो होता है वो नॉर्मल होता है, बेसिक होता है, नॉर्मल यू नो, बट फैमिली में कोई ना कोई आके इसको बोलता है कि तू तो बिल्कुल पैसा नहीं कमा सकता या फिर तू तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता बिकॉज सैटर्न इन द सेकंड हाउस। अब इसका ऑब्सेशन ही ये बन जाता है कि मैं इतना काम करूं क्योंकि सैटर्न काम का कारक है, राइट? अब यही अगर जुपिटर होता तो वो इंसान बोलता कि मैं इतना ज्ञान अर्जित करूंगा अब अपने लाइफ में कि मैं फैमिली मेंबर्स को दिखाकर ही रहूंगा कि मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं। सैटर्न यहां पर बैठेगा तो ऐसा इंसान बोलता है कि अब मैं इतने कर्म करूंगा, इतना काम करूंगा कि मैं अमीर अब बन के दिखाऊंगा। ऐसे ही अगर मर्क्यूरी होगा तो वो बोलेगा कि अब मैं इतने लॉजिक्स डेवलप करूंगा या फिर मैं इतने कॉन्टैक्ट्स बनाऊंगा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू आपको मैं काम करके बताऊंगा। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट उस चीज को एज ए चैलेंज लेता है, एंड द मोमेंट रेट्रोग्रेड प्लैनेट वो चैलेंज लेता है
आप देखेंगे यहाँ पर चीजें टर्न अराउंड होना शुरू हो जाती है, वो उस गोल के पीछे भागना शुरू करता है। देखिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो अच्छा प्लैनेट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब प्लैनेट होता है या फिर किसी चीज के पीछे भागना खराब नहीं है, बट बैलेंस्ड वे में भागना। अगर आप कोई चीज हाथ में ले रहे हो उस चीज को कंप्लीट करना और उसके लिए कोई गलत कार्य नहीं करना, सिर्फ अगर आप इतना ध्यान रखो तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट से बेटर तरीके से कोई भी काम नहीं कर सकता। जिस भी कुंडली में दो से ज्यादा प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं, दीज आर ऑल स्पेशल हॉरोस्कोप्स, बिकॉज इच्छाएं बहुत ज्यादा हाई होती है और ये इच्छाएं अगर आप पब्लिक डोमेन के साथ मिला दो तो आप पब्लिक के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर अब काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। यही रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर फॉर एग्जांपल मार्स के साथ बैठ जाए, मार्स अगर एस्पेक्ट कर ले, इन लोगों की आप वर्किंग कैपेसिटी देखोगे, दिन में 15-15 घंटे काम करना, 16-16 घंटे काम करना, क्योंकि अब वहां पर मार्स की एनर्जी भी है। आप देखेंगे रेट्रोग्रेड जिनका जिनका सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं बात करने के तरीके में। ये लोग सोचेंगे कि यू नो एक मतलब फिल्टर नहीं होता, सोचेंगे ही नहीं बोलने से पहले, बस बोल दिया तो बोल दिया उस तरीके से। रेट्रोग्रेड मार्स। अब आप देखेंगे मंगल एक ऐसा प्लैनेट जो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके टाइम से पहले काम करने की क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो ईगो का प्लैनेट है। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो जिसको हर चीज डोमिनेट करनी है बट ईगो के साथ। ईगो और प्राइड में यहां पर फर्क है। देखिए सूर्य का जो है वो प्राइड है, उसको पता होता है ऑलरेडी सूर्य को कि वो सूर्य है, वो राजा है, एवरीडे बैटलफील्ड में नहीं उतरना होता है। मार्स जो होता है वो सेनापति होता है, कुछ भी छोटा मोटा हो जाए किंगडम में मार्स को सबसे पहले उतरना पड़ेगा। तो ऐसा इंसान जो होता है वो ओवर ऑप्टिमिस्टिकली रेडी होता है मार्स रेट्रोग्रेड वाला। और आप देखेंगे कि ट्रांजिशन होता है मार्स रेट्रोग्रेड में, आपको मार्स रेट्रोग्रेड के अंदर ऐसा कुछ मिलेगा जस्ट लाइक सैटर्न रेट्रोग्रेड, कि जहां पर भी कुंडली में मार्स बैठा है वहां पर आकर मार्स को कोई ना कोई पिन पॉइंट करेगा। एक एग्जांपल चार्ट था, यहां पर मार्स तीसरे भाव में रेट्रोग्रेड है। अब बिल्कुल भी इंसान झगड़ा नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, बट एक बार उसके भाई को किसी ने कुछ कर दिया। आई रिमेंबर दिस, ये मेरी लोकैलिटी के अंदर ही ये था एंड आई चेक द हॉरोस्कोप आफ्टर दैट। तो यू नो ही सडनली स्टार्टेड बिकमिंग अ दादा ऑफ दैट प्लेस। बेसिकली द प्रॉब्लम वॉज यहाँ पर मार्स रेट्रोग्रेड को आपने पोक करने की कोशिश की, तो रेट्रोग्रेशन में अब जो इफेक्ट आएगा वो ट्रिपल इफेक्ट आएगा। तो आप देखेंगे कि ये लोगों की लाइफ में एक ट्रांजिशन होता है मार्स रेट्रोग्रेड के बारे में, कि एक टाइम तक ये बहुत शांत शांत नम नम रहते हैं, बट जैसे ही इनको कोई पोक करे और वो एक ट्रांजिशन फेज आ गया, देन ये खुल जाते हैं। अब देखेंगे मंगल जो है वो जल्दबाजी की वजह से एक्सीडेंट की प्रॉब्लम देता है, और जल्दबाजी की वजह से लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये गड़बड़ी क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये वही लोग होते हैं मार्स रेट्रोग्रेड वाले जो बॉम्बे लोकल्स में चलती ट्रेन में उतरेंगे और जब ट्रेन चलती होती है तब वो चढ़ जाएंगे। ये घाई गड़बड़ एक्साइटमेंट थ्रिल की वजह से इनको प्रॉब्लम देता है। अदर दिन इस मार्स अगर सप्तम भाव में हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए यहाँ पर, तो ऐसा इंसान जल्दबाजी में पहले डिसीजन लेता है, अरे मेरा तो बिल्कुल भी नहीं जम रहा। जैसे आप देखते हैं शादी के एक महीने बाद डिवोर्स, दो महीने बाद डिवोर्स। मार्स रेट्रोग्रेड इन द सेवंथ हाउस, आपको 110% इसका एस्पेक्ट या फिर कुछ ना कुछ देखने मिलेगा यहाँ पर। मार्स अगर सेकंड हाउस में यहाँ पर रेट्रोग्रेड हो जाए तो आप देखेंगे ऐसा इंसान जो होगा वो पैसों के पीछे भागेगा। पैसों के पीछे कैसे भागेगा? स्टॉक मार्केट के थ्रू, शेयर सट्टे के थ्रू, ये सब चीजों में। यहाँ पर अगर अब जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो गया तो आप देखेंगे मार्स और जुपिटर दोनों रेट्रोग्रेड, अभी डबल लॉस देंगे। लॉस क्यों देंगे? क्योंकि जुपिटर जब रेट्रोग्रेड हो गया तो ज्ञान आधा अधूरा लिया और पैसे मार्स के हिम्मत में पूरे लगा दिए। बट यही कॉम्बिनेशन आफ्टर सम एज, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, आप देखेंगे जैसे जैसे इंसान मैच्योर होगा ये पॉजिटिव बनते जाएगा, बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पर विजडम बढ़ते जाएगा, टेक्निक्स बनते जाएंगी। तो ऐसा इंसान आप देखेगा कि मैं कम समय में भी ज्यादा पैसा बना सकता हूं, बट वो विजडम को लेकर। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जो जुपिटर डायरेक्ट वाला होगा वो धीरे 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 स्टेप बढ़ेगा और वो 10 साल में एक पर्टिकुलर अमाउंट जोड़ेगा। अब जुपिटर रेट्रोग्रेड वाला होगा, जो मार्स रेट्रोग्रेड वाला होगा, वो धीरे धीरे वो पैसा पहले तो लॉस करेगा वो पहले 2-3 साल तक, और फिर वो 1-2 साल में उतना पैसा जमा कर लेगा जो जुपिटर ने 10 साल में पैसा जमा किया है। उस तरीके से रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स काम करते हैं, सडन काम करते हैं और पावरफुल होते हैं ये। यही अगर फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि मंगल 11वें भाव में रेट्रोग्रेड हो जाए तो दोस्तों के लिए सडन मतलब कोई भी एक्सटेंट आ जाए पर दोस्तों के लिए खड़े हो जाना, जाकर किसी दोस्त का झगड़ा होगा पहले आगे जाकर मारा मारी करना, ये जो भी चीजें हैं मंगल से रिलेटेड चीजें जो भी घर में आपको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली देखने मिलेगी यहाँ पर। तो मार्स का रेट्रोग्रेड होना अच्छा नहीं होता, बिकॉज पेशेंस इज नेसेसरी हियर। मार्स पे कोई ना कोई जुपिटर का एस्पेक्ट होना चाहिए या कुछ तो होना चाहिए जिससे मार्स यहाँ पर बैलेंस्ड रहे, एंड वाइस वर्सा फॉर जुपिटर एज वेल। सो आई थिंक वी आर डन विद दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। दिस इज द फर्स्ट वीडियो आफ्टर द 10K सब्सक्राइबर मार्क, एंड आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल, एंड कीप लविंग द वीडियोज। थैंक यू सो मच।